हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ और करेक्ट 5 बजे मैं खड़ी हो जाती हूँ। अब मैं दिखाती हूँ बाहर का व्यू। देखिए, केले का पेड़ सूखा हुआ है, मतलब आज ओस इतनी ज़्यादा नहीं गिरी हुई है और मौसम भी मतलब ठीक ही है, मतलब धुंध वगैरह ज़्यादा नहीं है फिलहाल, तो है नहीं। कल और परसों मतलब कई 3-4 दिन से तो लगातार बहुत ज़्यादा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इतनी ज़्यादा हो रही थी। और परसों तो ओस भी इतनी भयंकर गिरी हुई थी, इतनी ज़्यादा मतलब जैसे कि सब कुछ गिल्ला हो चुका है, मतलब नहा चुका। आज कुछ भी नहीं, आज ना तो ज़्यादा धुंध है ना ही ज़्यादा ओस है। फिर आ जाती हूँ मैं नीचे और फिर मैं किचन का गेट खोल लेती हूँ और फिर मैं पतीला लेकर और माथा टेक कर मंदिर के अंदर और लोटा लेकर मैं बाहर आ जाती हूँ और फिर मैं चढ़ा देती हूँ चाय को। चाय के अंदर मतलब चीनी के अलावा सारी चीज़ें मैं डाल देती हूँ। और देखिए, मैंने पानी डाल दिया है, अब मैंने गैस ऑन कर दिया और उसके अंदर जो भी सामान होता है, चीनी, चाय पत्ती, चीनी को छोड़कर सारी चीज़ें डाल देती हूँ। हाँ, लेकिन चीनी मैं डालती हूँ सबसे लास्ट में, मतलब मेरे हस्बैंड जी के निकालने के बाद में, क्योंकि चाय पक जाती है फिर निकालती हूँ मैं उनकी, उससे पहले नहीं निकालती, फिर मैं चीनी मिला देती हूँ क्योंकि वो चाय फीकी पीते हैं। और फिर मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का व्यू। देखिए, बिल्कुल सब कुछ क्लियर नज़र आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आज। और पानी आज नहीं आया क्योंकि पानी अब गैप दे के आने लग गया, एक दिन छोड़कर एक दिन, तो आज नहीं आया, कल आया था। तो फिर मैं चल देती हूँ अपने कोले से लाने के लिए। मेन गेट को खोल लिया और कोले से लाकर मैं आ जाती हूँ बाहर, मतलब बाहर से कोले से लाकर मैं आ जाती हूँ अंदर। देखिए, गेट को मैंने फिर बंद कर दिया। कोले हमेशा घूंघट के अंदर से लाए जाते हैं, तब तक मेरी चाय पक मतलब उबल जाती है। आकर मैं डाल देती हूँ उसमें दूध। और मतलब इतनी ज़्यादा मेरे को सर्दी लग रही है कि मतलब मैंने 2 टोपे बांध रखे हैं, उसके ऊपर से जो चुन्नी जो कॉटन की होती है वो वाली, कल जो मैंने ओढ़ रखी थी वो भी मतलब टोपे की तरह, मतलब कैप की तरह ओढ़ रख मतलब बांध रखा है बुरी तरह से, क्योंकि मेरे सिर के अंदर दिक्कत होने लग जाती है, मतलब दर्द सा होने लग जाता है। तो मैं मतलब इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन रखती हूँ कि मतलब 2 तो टोपे हो गए और तीसरा ये, क्योंकि सुबह रात को ही बांध कर सो गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा महसूस होने लग गया था। मैंने सोचा इससे ज़्यादा मतलब ज़्यादा तकलीफ बढ़े उससे अच्छा है उसको बांध लूँ, क्योंकि मैं दवाई पानी बहुत कम लेती हूँ, मतलब बहुत ही कम, मतलब अस्थमा की लेती हूँ, वो भी जब लेती हूँ जब मैं बिल्कुल मरने जैसी हो जाती हूँ कि मतलब अब काम भी करना पड़ेगा और तबीयत ठीक नहीं है, तब जाकर मैं मतलब दवाई लेती हूँ। यदि मैं दवाई कंटिन्यू लूँ तो मतलब मेरा शायद अस्थमा बढ़े भी नहीं, लेकिन मैं दवाई नहीं लेती। ये मतलब मेरे अंदर सबसे गंदा काम है कि मतलब इस बात के ऊपर तो गुन्नू के पापा भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते रहते हैं, मतलब दवाई ले लिया कर, जैसे मतलब यदि केमिस्ट भी 3 दिन की दवाई देगा और मेरी तबीयत 1 ही दिन में ठीक हो जाती है, तो वो 2 दिन की डोज मैं नहीं लेती हूँ, मतलब मैं उसको छोड़ देती हूँ। और भगवान की दया से मतलब फिर मेरे दोबारा उठता भी नहीं, मतलब उस एक डोज से मेरा काम चल जाता है और मैं दवाई बहुत कम लेती हूँ, बहुत ही कम। तो इसलिए मतलब रात को महसूस होने लगा था तो मैंने चुन्नी को बांध लिया, 2 कैप थे और फिर चुन्नी को बांध लिया, तो मतलब मेरा सर दुखने से बच गया। फिर मैंने पानी गर्म किया, नहा ली और अब मैं बाबा जी की ज्योत बत्ती के अंदर लग गई हूँ। देखिए, दे दिया मेरे बाबा जी को जल और धूप, मतलब सिंपल सा जल देती हूँ, सिंपल सी धूप देती हूँ। और यहाँ पर है मेरी तुलसी मैया जिनको मैंने कमरे के अंदर रख रखा है, लेकिन ये अंदर भी सूख चुकी है बेचारी। यहाँ पर है मेरे सूर्य देवता, मतलब यहाँ से हमारे घर की पूर्व दिशा पड़ती है, तो मैंने सूर्य देवता को जल दे दिया और जय बाबा जी कर लिया। अब मैं नहलाऊँगी बाबा जी को और बाबा जी को नहलाती हूँ। और ये जो क्या होता है, सूर्य देवता को जल देती हूँ, वो पानी मैं हमेशा पौधों में देती हूँ, नीचे नहीं डालती हूँ। और मौसम देखिए, सब कुछ दिख रहा है, खूब बिल्कुल क्लियर है, कल धूंध थी, कल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और ये देखिए, मेरे बाबा जी तैयार हो चुके हैं, मतलब अब इनको आए हुए लगभग 1.5 साल से ऊपर हो चुका है। जय बाबा जी। और मेरे बाबा जी तैयार हो गए और मैंने कर लिया इनको प्रणाम। फिर मैं चाय बना कर लाती हूँ, बाबा जी को चाय दे देती हूँ, पहली बार की और हमने पी ली, दोबारा की चाय। जय बाबा जी। बाबा जी को धोख लगा दिया है बिस्किट के साथ, मतलब बिस्किट नहीं, आज है मतलब पकौड़े, क्योंकि आज बनाए हैं कढ़ी पकौड़े, तो जो पकौड़े हैं वो एक्स्ट्रा बना रखे हैं, मतलब गुन्नू और चेष्टा खा लेंगे, मतलब बच्चों के लिए बना रखे हैं, मतलब हम तो कढ़ी के अंदर खा लेंगे, मतलब ये नहीं है कि बड़े नहीं खाते, बड़े मतलब ये होता है 2-4 पीस खा लिए बाकी छोड़ दिए, लेकिन बच्चे ज़्यादा खाते रहते हैं तो बच्चों के लिए बना रखे थे। तो चेष्टा बाबू के लिए लेकर आई, तो मतलब बाबा जी को भी दे दिया और बाबा जी को जो भोग लगता है वो मैं खा लेती हूँ, मतलब ये एक जो था पीस वो मेरे लिए था, क्योंकि बाबा जी को भोग लगाने के बाद में वो चीज़ मैं खा लेती हूँ। हाँ, जो बाहर का फास्ट फूड वगैरह होता है वो ना तो चेष्टा छोड़ती है ना गुन्नू छोड़ती है, वो बाबा जी के पक्का खा लेते। और मेरा लाडू जी लग चुका है मेरी पूरी मदद कराने के अंदर। देखे, आराम से झाड़ू लगवाया जा रहा है। और कल मैं पिंक झाड़ू लेकर आ गई थी, येलो वाला नहीं लेकर आई थी,
तो चेष्टा बाबू ने मतलब देखते ही पिंक वाला झाड़ू मेरे से ले लिया और खुद लगाए। आज मैं दोनों लेकर आ गई हूँ, तो देखिए पिंक मेरे को दे रखा, येलो वाला खुद ले रखा कि आज येलो मैं लेऊँ। थोड़ी देर में वो चेंज भी कर लेती है। और ये सो रहे हैं मतलब चेष्टा बाबू के मंकी और बाबू जी। मंकी को अभी तक उसने अंदर नहीं रखा है। मेरा बाबा जी आराम से बैठे हुए हैं और ये देखिए मेरा लाडू जी ने कचरा डाल लिया और कह रहा है कि मामा जी चलो नीचे, क्योंकि ये कचरा हम डाल देंगे पानी गर्म करने की टंकी के अंदर, मतलब पत्ते वगैरह सब कुछ जलकर नष्ट हो जाएंगे। मतलब मैं थोड़ा सा भी कचरा बाहर नहीं फेंकती हूँ, मतलब जो भी जलने की चीज़ें होती हैं सारी की सारी उसमें डाल देते हैं और फिर उसमें मतलब पानी गर्म हो जाता है। मतलब बाहर फैलाने से तो अच्छा है कि अंदर जलकर नष्ट हो जाए वो। फिर देखिए दो दिया दोपहर का बाबा जी को खाना, और मतलब ऊपर की सफाई की थी तभी मैंने खाना खा लिया, आज नीचे की सफाई से पहले खा लिया। हाँ नीचे झाड़ू लगा दिया था उसके बाद में खाना खाया था। और फिर मैं यहाँ से धोने लग गई हूँ, मतलब राख वगैरह सब कुछ निकाल कर मैं डाल कर आ गई और यहाँ से धो दिया। आज पानी नहीं आया कोई बात नहीं, होद वगैरह सब कुछ भरा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ एक दिन का गैप देकर आने लग गया है तो मतलब ये पता चल जाता है ना तो दिक्कत नहीं आती। जैसे एकदम से बंद कर देता है ना तो क्या होता है, पीने के पानी की प्रॉब्लम होने लगातार आता है ना, तो क्या होता है कि मतलब एक मटका भर दिया, एक मटका भरा हुआ मतलब आधा हो जाता है, आधे से ऊपर होता है, उससे काम चल जाता है। लेकिन एक दिन से अचानक से एक दिन का गैप हो जाता है तो मटके दोनों के दोनों लगभग खाली होने को हो जाते हैं। और मतलब डेली आता रहता है तो मैं सिर्फ एक ही मटका भरती हूँ, लेकिन अब गैप देकर आता है तो दोनों मटके भर देती हूँ बस। मतलब ये दिक्कत आती है सिर्फ एक दिन, मतलब जिस दिन पानी नहीं आता है, लगातार आता रहता है, फिर एक दिन नहीं आता उस दिन दिक्कत आती है, नहीं तो नहीं आती है। और गर्मियों के अंदर तो नहीं आती है क्योंकि उसके अंदर क्या होता है एक्स्ट्रा एक बाल्टी भर देती हूँ तो उससे काम चल जाता है। और ये देखिए मेरा बाबूजी खेल रहा है क्रिकेट, वो भी घर से बाहर, मतलब इन बच्चों के साथ में खेल रहा था, फिर वो मेरे को बुला लेती है फिर मैं भी खेलती। अब आप सोचते हो कि मैं हमेशा सूज को ऐसे क्यों डाल कर रखती हूँ, उसका कारण भी मैं आपको बता देती हूँ। मेरे अंगूठे और उंगलियाँ मतलब सर्दी के कारण, इतनी ज़्यादा ठंड के कारण क्या है, फूल गई हैं, मतलब सोई आ गई है उनके ऊपर और रेडिश रेडिश हो चुके हैं। तो वो मतलब पीछे से पहनते ही आगे मतलब फोर्स डालते बहुत बुरी तरह से दर्द करने लग जाते हैं। और बिछिया भी बुरी तरह, बिछिया जहाँ पर है वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा फूल चुका है। तो इस प्रॉब्लम के कारण मतलब जूते को मैं पीछे से फोल्ड करके पहनती हूँ, क्योंकि आगे फोर्स नहीं पड़ता तो वो जूता है क्या कवर हो जाता है। जूता नहीं पहनूंगी तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। ये ज़्यादा नहीं होती है, ज़्यादातर बस ज़्यादा से ज़्यादा महीने की बात होती है, उसके बाद में ठीक हो जाता है। क्योंकि मतलब एक बार तो क्या फूल लेंगे उसके बाद में उनके अंदर चलेंगी खुजली और फिर वो ठीक हो जाता है बस। हाँ लेकिन इसीलिए मैं उसको ऐसे करके पहनती हूँ, मतलब ये ठीक नहीं होंगी तब तक मैं इसको ऐसे ही पहनूंगी, उसके बाद में फिर मैं ढंग से पहनने लग जाऊँगी। और उसके बाद में देखिए मेरा बाप जी मुझे फिर आ गया है और ये कर रहा है पूरी मस्ती, मतलब एक इधर जा रहा है एक बार उधर जा रहा है, कह रहा है कि आ जाओ मेरे पीछे ही आ जाओ मेरे पीछे ही आ जाओ। और मैं कह रही हूँ आ जाओ, फिर वो देखिए बटका भरने को आ रहा है, मतलब मुंह में लेता हूँ फिर छोड़ देता है, मतलब ये नुकसान नहीं पहुँचाता बिल्कुल भी नहीं पहुँचाता है। पंजा भी बिल्कुल आराम से रखता है और मुंह के अंदर हाथ भी ऐसे लेगा जैसे कि मतलब उसको टच नहीं करने देता, नहीं तो इनके दांत इतने पहनने हैं मतलब नॉर्मल पकड़ता है तो भी मतलब सुई जैसे महसूस होते हैं, लेकिन ये नुकसान नहीं करता है। काफ़ी देर तक हम इसके साथ में खेलते रहते हैं। फिर मैं बुला लेती हूँ चेष्टा बाबू, क्योंकि चेष्टा बाबू नीचे थी वो क्रिकेट खेल रही थी। मैंने कहा आजा बाबू जी चिम्मू आ गया, तो चिम्मू का नाम सुनते चेष्टा बाबू भी ऊपर आ जाता है। और ये देखिए बदमाश फिर से मेरा हाथ पकड़ लेता है, मतलब यहाँ से वो कह रहा है खेल लो खेल लो। उसके बाद में यहाँ से दिख जाता है उसको डोगी, मतलब बाहर ग्राउंड के अंदर डोगी दिख जाता है काले रंग का, देखिए पकड़ लिया इसने हाथ फिर छोड़ देता है। और फिर मतलब डोगी दिखते ही बिल्कुल ऐसे दुबक के बैठ जाता है, देखिए कि इसको डोगी देख लेगा, बताओ डोगी नीचे है और वो नीचे अपना काम कर रहा है मतलब सुसु वगैरह कर रहा है तो वो इसको क्यों देखेगा। लेकिन इसको यही है कि डोगी इसको देख रहा है, बार बार देखे कैसे पूंछ दबा कर बैठ गया ऐसे छुप के कि डोगी इसको नहीं देखेगा। मतलब इतना दिमाग शायद पशु में नहीं होता है या नहीं होता है, लेकिन देखिए डोगी ये रहा वो नीचे देख रहा ऊपर नहीं देख रहा, लेकिन ये दुबक्कन यहीं पर बैठ गया कि डोगी इसको देख लेगा और इसको नुकसान पहुँचाएगा। और ऐसे करके मतलब काफ़ी देर तक ये छुप के बैठा रहता है। फिर आ जाता है मेरा चेष्टा बाबू, फिर चेष्टा बाबू और चिम्मू और मैं करते हैं मस्ती काफ़ी देर तक, मतलब कभी इधर से उधर कभी उधर से उधर घूमते रहते हैं। और ये सारी शॉर्ट्स आपको मिल जाएंगी मेरी शॉर्ट्स के अंदर। और यहाँ पर ये देखिए मतलब इसकी रियल आवाज़ है,
फिर दे देते हैं शाम की चाय बाबा जी को, वही पकोड़े के साथ में, क्योंकि चेष्टा बाबू खा रहा था तो मैंने बाबा जी को दे दिया। और उसके बाद में मैं शाम की लकड़ियाँ वगैरह लेकर आती हूँ, खाना वगैरह बनाती हूँ। और ये देखिए मेरा बाबू जी क्या कर रहा है, आराम से पढ़ाई कर रहा है। मतलब अभी इसने स्कूल जाना शुरू नहीं किया क्योंकि अभी तक ये मतलब अच्छे से बोलती भी नहीं है, लेकिन अभी तक छोटी है तो अभी इसको स्कूल में नहीं भेजा है। इस साल सोच रहे हैं कि सेशन में इसको भेज देंगे। तो देखिए पढ़ाई देखिए इतने गौर से कर रही है, स्कूल जाएगी तब तो पता नहीं करेगी या नहीं करेगी। ये बाबा जी को रात का खाना, और फिर बाबा जी को सुला देती हूँ, मेरे बाबू जी को सुला देती हूँ। ओके फ्रेंड्स, जितना भी सपोर्ट दिया उसके लिए धन्यवाद। ऐसे सपोर्ट देते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद, बाय।